हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास 10th का मैथ्स करने जा रहे हैं बच्चों, और चैप्टर हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे थे, मैंने आपको बता दिया था बच्चों कि ये चैप्टर, ये जो आप यहाँ पे करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है कि जो बेसिक चीजें आपने 9th में की थी, जो बेसिक फॉर्मूले किए थे उन पे क्वेश्चन किए थे, जैसे कि आपने बेलन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे किए होंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चंस आपने किए होंगे पिछली कक्षा में। इसी तरह शंकु के किए होंगे, फिर गोला अर्धगोला किया होगा आपने, और ऐसे ही आपके सामने इन्हीं चीजों पे बेस्ड, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे थोड़े से क्या कर दिया, एडवांस कर दिए क्वेश्चन, और क्या कर दिया, दो फिगर्स को, दो आकृतियों को एक में मिला के और उसका आपको क्षेत्रफल या फिर आयतन निकालना होता है। बस इतना फर्क है। तो अगर आप उसका डायग्राम, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसका डायग्राम आप अच्छे से बना पा रहे हैं, उसको इमेजिन कर पा रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, ये आप चैप्टर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका क्वेश्चन आपको मैंने एक होमवर्क के लिए दिया था। अगर आप याद कर पा रहे हो तो ये क्वेश्चन था, इसमें आपको ये एक खिलौना के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम मैंने बनाया था और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। किस किस ने किया है ये होमवर्क, जिस किसी ने भी किया है अपना हैंड रेज करके मुझे आंसर बता दें। बहुत ही इजी है, और अगर कोई नहीं भी कर पाया है तो यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, ज्यादा टफ नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वो फाइंड आउट कीजिए कि निकालना क्या है। यहाँ पे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको कौन सा क्षेत्रफल चाहिए होगा, वो क्षेत्रफल निकाल के आप एड कर देंगे, यही तो करते हैं। तो जो चीज गिवन है पहले तो वो लिखेंगे आप, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि मुझे रेडियस गिवन है, त्रिज्या गिवन है, ठीक है। त्रिज्या यानी रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, ये बोला गया है कि भाई इसमें जो एक शंकु है, ठीक है, शंकु ऊपर दिख रहा है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। और उसी त्रिज्या वाले, मतलब शंकु और जो अर्धगोला है, उन दोनों की त्रिज्या सेम होगी। ये चीज क्वेश्चन में दी हुई है, दोनों की त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। उसके बाद और क्या चीज दी हुई है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो ये भी देखिए, हमने निकाला था कि यहाँ पे अगर पूरे खिलौने की ऊंचाई, पूरे खिलौने की ऊंचाई 15.5 है, तो यहां तक कितनी होगी, यहां से यहां तक, ये तो त्रिज्या है, ठीक है, यहां से यहां तक तो हम बोल सकते हैं कि अर्ध गोले की ये त्रिज्या है। तो ये तो 3.5 होनी चाहिए। तो अगर हम इस शंकु की, सिर्फ शंकु की ऊंचाई जानने लगे तो कितनी हो जाएगी, 15.5 में से हम 3.5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि शंकु की ऊंचाई यानी एच से इसको डिनोट कर सकते हैं, और ये होगी 15.5 माइनस 3.5, और ये आ जाएगी कितनी, आ जाएगी ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देखिए फॉर्मूला हम यहाँ पे कौन सा लगाने वाले हैं, हमें अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो जो ये बेलन है, जो ये शंकु है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। और जो ये हमारे पास अर्ध गोला है, इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है।
दोनों का हमारे पास अगर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकाल पाए इसका, तो उससे क्या लाभ होने वाला है? उससे ये लाभ होने वाला है कि दोनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे हम और हमारे पास खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर दोनों का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर दें तो देखिए इसमें क्या फर्क है, हम टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते, सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो दोनों का आधार है, दोनों का आधार है वो इस खिलौने के अंदर की तरफ आ गया, ठीक है, बाहर की तरफ नहीं रहा, तो ना ही तो हम जो अर्ध गोला है उसका आधार को हम क्षेत्रफल निकाल के ऐड करेंगे और ना ही हम शंकु के आधार को ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज यूज होने वाली है, जो कि ये है हमारे पास शंकु है, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला तो होता है पाई आर और एल, ठीक है, आर हमारे पास है लेकिन एल तो नहीं है, हमारे पास तो एच है, तो एच और आर की मदद से एल कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा था जब हम फॉर्मूले कर रहे थे इसके। तो क्या क्या फॉर्मूले थे इसके, क्या आपको याद है किसी को? तो देखिए अगर हमारे पास एच गिवन है और आर दिया हुआ है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। अगर ये एच आपको 12 दिया हुआ है ना, और ये इसका आर है ये 3.5 दिया हुआ है, और ये है ये 12 गिवन है, तो ये एक अगर त्रिभुज के रूप में देखें, समकोण त्रिभुज के रूप में अगर इसको देखें तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इस तरह से आप मान सकते हैं इसको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो उसकी मदद से हम क्या एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ, अगर आपको एल की वैल्यू निकालनी है, एल की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगी अंडर रूट एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आप एच की और आर की वैल्यू जानते हैं तो इसमें पुट करिए और आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए एच है 12 तो इसका वर्ग प्लस आर है 3.5 तो इसका वर्ग आप निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से निकालेंगे, 12 का वर्ग निकालना बहुत ही ईजी है हमारे लिए, 12 का वर्ग कैसे निकाल देंगे आप, 12 × 12 याद होगा ये तो आप सबको, तो 12 का वर्ग तो 144 आ जाएगा, है ना, 144 आ जाएगा। देखिए कम से कम 25 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए मुझवाने, इसीलिए 12 का बहुत इजी पड़ेगा आपको, 144 है, नहीं तो अगर नहीं भी याद है तो भी आप कर सकते हैं, 12 × 10 कितना होता है 120 होता है, और 12 × 2 कितना होता है 24 होता है, इन दोनों को जोड़ दिए 144 आ गया, ऐसे कर लो, ब्रेक करके कर लो आप अगर याद नहीं है तो वो कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन अब मुझे बताइए कि 3.5 जो है इसका अगर स्क्वायर करना है आपको तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं इसका वर्ग स्क्वायर। यहाँ पे आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, बजाय कि 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे ट्रिक यूज कर सकते हैं, और ट्रिक क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर एंड में 5 होता है, कोई भी दो डिजिट नंबर के एंड में 5 होता है या फिर किसी नंबर के एंड में 5 होता है, तो आप कैसे कर सकते हैं उसको, अभी इसको मैं 35 मान लेता हूँ, ठीक है, और मैं पहले तो इस 5 का स्क्वायर करता हूँ, 5 का वर्ग करूंगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, एज इट इज लिख दिया मैंने। फिर जो ये 3 है, अब क्या बचा, 3 बचा, इसके साथ इसमें एक जोड़ के उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ये बच्चों ट्रिक है, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आप फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। तो जो अगर 3 बचा है यहाँ पे तो इसमें मैं एक ऐड कर दूंगा और ये हो जाएगा 4, अब 3 × 4 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 12, तो 1225 आ गया 35 का वर्ग। अब देखेंगे कि हमारे पास डेसिमल कितना है, डेसिमल आप देख पा रहे हैं कि एक डिजिट के बाद है, कितने के बाद है, एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे कितने डिजिट के बाद आएगा, 2 डिजिट के बाद आएगा,
ये चीज समझ में आया कि दशमलव ऐसे क्यों आया? अगर नहीं आया तो इसको भी हम एक बार डिटेल में कर लेते हैं। देखिए 35 है मान लीजिए, इसका दशमलव हटा के ये नीचे 10 मैंने लगा दिया और इसका वर्ग हम करेंगे। अब 35 का वर्ग तो हमने निकाला था, यहाँ पे कितना आया 1225, और 10 का वर्ग भी तो हम करेंगे, 10 का भी तो वर्ग होगा, तो ये 100 आ जाएगा। अब 100 का वापस से डेसिमल आप हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12.25। ठीक है, तो इस तरह से ये कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो उसमें ये शॉर्ट ट्रिक आपकी जरूर यूज होगी। अगर ये समझ में आया है तो नोट डाउन कर लो इसको, ये शॉर्ट ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाली है। कोई भी संख्या हो, 45 हो, 55 हो, 65 हो, ठीक है, सब में आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि जो 5 है पहले तो उसका स्क्वायर करके लिखते हैं, और जो ये वाला नंबर है इसमें एक ऐड करके इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें और उसको एज इट इज लिख दें, बस कुछ नहीं करना आपको, और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं आप। अब देखिए यहां पे आपको क्या निकालना था, 3.5 का वर्ग निकालना था जो कि आ गया 12.25। ठीक है, ये आप अगर डायरेक्टली निकालते, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना समय यहाँ पे लिया है, अगर डायरेक्टली निकालते 3.5 का तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 5 × 5 = 25 और 3 × 4 = 12, 12.5। देखिए कितना है, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको ये करने में, इसीलिए आप ये ट्रिक्स अगर सीखेंगे तो आपको काफी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे अब आप इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 144 + 12 156, 156.25, 0.25 आ गया। अब देखिए इसका वर्ग मूल निकालना है आपको, अंडर रूट निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए भी आपकी ट्रिक्स भी होती हैं, और अगर सिंपल आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बारी हम करेंगे इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखेंगे आप, अगर हम एक का स्क्वायर लिखते हैं तो एक आता है, दो का वर्ग लिखते हैं तो 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, इसी तरह 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81, और 10 का वर्ग होता है 100। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं ये चीज ध्यान से देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई छोटा नंबर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ आपको कि भाई 576 576 है, इसका वर्गमूल निकालना है, वैसे तो आपको पता है इसका वर्गमूल कितना आएगा, 24 आएगा, है ना। तो अगर इस तरीके से हम निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम पेयर बना लेंगे, कौन सी तरफ से, राइट हैंड साइड से, दो दो के हम पेयर बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। ठीक है, अगर हम दाएं तरफ से दो दो के पेयर बनाने लगे तो यहाँ पे सिर्फ मुझे 76 का पेयर मिला, उसके बाद सिर्फ एक डिजिट रह गया 5, इसीलिए हम क्या करेंगे, 5 को अकेला छोड़ देंगे, 5 का कोई पेयर नहीं बनेगा। अब हमें क्या करना है, ये चीज आप ध्यान से देखें कि जो ये 5 है, हमने इनमें से जो हमने यहाँ पे स्क्वायर लिखे हैं इनमें से देखना है भाई इस 5 के लिए कौन सा नंबर सूट करता है जिसका स्क्वायर 5 से बड़ा ना हो, उससे जस्ट छोटा हो। तो देखिए यहाँ पे मुझे 2 लगता है जिसका स्क्वायर 5 से जस्ट छोटा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लेंगे 2, क्या लेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2 × 2, ये हो जाएगा 4, है ना। तो कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया एक जगह। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम लिखते हैं इन दोनों को, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, लेकिन जब हम नीचे लिखेंगे तो इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया, 176, एक यहाँ से बच गया 5 - 4, एक बच गया और यहाँ पे
76 आपका बच जाता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है दोनों जगह जो आपको सेम नंबर होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी, और इन दोनों को, ये जो पूरी डिजिट आएगी इसको नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, या फिर इससे जस्ट छोटी डिजिट आनी चाहिए। तो ऐसा नंबर हम ढूंढेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 4 है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो नीचे भी 1 ही आएगा। ठीक है, अब 41 इंटू 1 कितना होता है, 41 होता है, ये तो बहुत छोटा आ गया 176 से। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो नीचे भी 2 ही आएगा, तो 42 दूनी कितना हो गया, 84 हो गया, 84। तो 84 भी 176 से क्या है, छोटा है। इसी तरह अगर मैं 44 करता हूँ, ठीक है, 44 इंटू 4 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 1 हासिल, और 4 चौक 16 और 1 17, 176, एग्जैक्ट 176 आ गया। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है, या तो इससे छोटा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास तो अगर हम 4 से यहाँ पे करते हैं तो 176 आ जाता है, और यहाँ पे ये 0 आ जाता है, और ये जो आएगा ये इसका वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे, हर बारी फिर यही वाले स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे कि इन दोनों को मैंने यहाँ पे तो किया मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है, और जब मैं नीचे लिखता हूँ तो ऐड करके लिखता हूँ। ठीक है, जैसे नीचे लिखता तो 44 + 4 48 हो जाता, ठीक है, ऐसे करता, और फिर अगर 48 हो जाता तो मैं यहाँ पे एक नंबर देखता और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और फिर ये स्टेप चलते रहते, कंटिन्यू रहता, रिपीट होते रहती है यही चीज। तो इस तरह से आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड से। ये तो हो गया 576, कोई छोटा नंबर हो गया। अब जो हमें एक्चुअल में इस क्वेश्चन में निकालना है उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। और क्या निकालना है हमें, हमें तो बड़ा नंबर है उसका निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो नंबर लिखते हैं और उसके पेयर बनाएंगे। हमारे पास है 15625, ये नंबर है, जो पॉइंट है उसको अभी छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। तो देखिए, इनके अगर हम पेयर बनाएंगे तो एक तो ये 25 हो गया, एक 56 हो गया, और ये एक अकेला यहाँ पे बच गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वही तरीका, सेम मेथड यूज करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इनमें से देखेंगे जो हमने स्क्वायर लिखे हैं, इस या तो एक के बराबर हो किसी का वर्ग, या उससे छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही नंबर है जो है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और नीचे 1 लिख देता हूँ। 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को नीचे ऐड करके लिखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाता है। अब यहाँ भी और यहाँ भी हमें ऐसा नंबर ढूंढना है। देखिए, 1 - 1 तो यहाँ 0 हो जाएगा, और हम उतारेंगे 56। कितना उतारेंगे, 56। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है यहाँ इन दोनों जगह के लिए कि भाई यहाँ पे जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करके 56 से छोटा है या उसके बराबर आए। तो ये क्या नंबर हो सकता है, 22, और यहाँ भी 2 हो सकता है, तो 22 × 44 होता है। अब कुछ बच्चे अगर सोच रहे हो कि यहाँ पे 23 क्यों नहीं आ सकता, तो एक बारी हम 23 लेके देख देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाए। अगर मैं यहाँ भी 23 लिखूंगा तो नीचे भी मुझे 3 लिखना पड़ेगा। ये आप स्टेप याद रखें कि दोनों जगह सेम नंबर आएगा। देखिए, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, 23 × 3 कितना होता है, 69। ये तो 56 से बड़ा हो गया, हमें तो 56 से छोटा चाहिए, इसीलिए हम 3 यहाँ पे नहीं लिख सकते, और ये हिट एंड ट्रायल से आप पता लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको पता लग गया, 2 लिखेंगे आप, ठीक है, और 22 × 2 कितना हो गया, 44 हो गया। यहाँ पे आप 56 - 44 करेंगे, कितना आ जाएगा, 56 - 44 12 आ जाएगा। उसके बाद जो ये लास्ट वाली दो डिजिट है इनको आप उतार लेंगे, कितना है, 25 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए, अब हम नीचे जब लिखेंगे तो इनको ऐड करके लिखेंगे इन दोनों को,
तो 22 प्लस 2 कितना आ गया, 24 आ गया। अब यहाँ पे और यहाँ पे एक ऐसी संख्या चाहिए हमें, या तो 1225 के बराबर हो या उससे छोटी हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये कैसे पता लगेगा हमें, ये हिट एंड ट्रायल से पता लगेगा। 241 तो बहुत छोटा हो जाता है ना, काफी छोटा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 24 का टेबल पढ़ेंगे। 24 का टेबल हमें आता है तो 24 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। 24 दूनी 48, 24 से 72, 2496, यही होता है ना। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 से 72, 2496, 24 पंजे 120, ठीक है। 24 से 144 होता है। तो देखिए यहाँ पे मुझे 122 दिख रहा है और ये 120 आता है, तो मैं 120 पे ट्राई करूंगा। आप चाहें तो 144 क्या हो जाता है, इससे बड़ा हो जाता है, तो उसमें नहीं, आप 96 पे भी ट्राई कर सकते हैं पहले, फिर 120 पे आ सकते हैं। तो मुझे पता है कि 24 पंजे 5 पे होता है, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा। अगर मैं 5 से यहाँ पे 5 रख के देखूं तो 245 इंटू 5 कितना होता है, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 2 हासिल 5 के 20 और 2 22, 2 हासिल 5 दूनी 10 और 2 12। तो देखिए 1225 ही आया है, यहाँ पे 0 बच गया और ये आ गया 125। मतलब आप बोल सकते हैं कि भाई इसका जो स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, वो 125 आया है। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप इससे किसी का भी कोई भी नंबर है उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल लिख देना है, वर्गमूल कितना है 125। अब डेसिमल भी देख लीजिए, डेसिमल कहाँ पे आया, अगर नीचे 100 है, ठीक है, पूरे का वर्गमूल हम निकाल रहे हैं तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 10 आना चाहिए और 10 की जगह मैं क्या करता हूँ, 10 की जगह मैं 2 के बाद पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होनी चाहिए। अब हमें पता लग गया है कि भाई इसका L की वैल्यू क्या है। ये थोड़ा लेंथी हो गया है क्योंकि आपको मैंने दो ट्रिक यहाँ पे समझाई है, इसीलिए ये काफी समय बाद इसका आंसर आया है। लेकिन L हमें अब पता लग गया है, अब फिर से वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन से हमें डाइवर्ट नहीं होना है, फिर से क्वेश्चन पे चलेंगे तो हमारे पास गिवन क्या क्या हो गया, R हो गया, एच हो गया और एल हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या निकालना है हमें वो चीज देखेंगे। पहले तो हमें निकालना है बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कैसे निकलेगा, मैंने बताया था कि दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के आप ऐड कर सकते हैं। तो जो अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, या फिर कर्व सरफेस एरिया प्लस, फिर है हमारे पास शंकु, तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया, दोनों का आप कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे आपस में। तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो अर्धगोला है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr2, 2πr2 होता है, और शंकु का होता है πrl। क्या हमारे पास सब की वैल्यूज हैं, तो हमारे पास बिल्कुल हैं, r की वैल्यू है और l की वैल्यू भी है, दोनों का r सेम है, इसलिए r की वैल्यू हम लिख सकते हैं और l की। यहाँ से कुछ कॉमन आपको दिख रहा है आता हुआ, तो देखिए एक तो पाई और एक r यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, कॉमन जो आएगा वो आएगा पाई और r। अब फिर से देखते हैं, कॉमन आने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से अगर पाई r कॉमन निकाले तो 2r यहाँ बच जाएगा और यहाँ सिर्फ L बच जाएगा, तो 2R प्लस L लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 2R प्लस L आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब वैल्यू आप लिखेंगे,
पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे? कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में तो 22/7 आप लिखेंगे, और आर यहाँ पे गिवन है हमारे पास 3.5, 3.52 × 3.5 प्लस एल कितना निकाला था हमने, 12.5 निकाला था, तो ये यहाँ पे लिख पाएंगे हम। इसको देखिए सिंपल अब कैलकुलेशन आ गई, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। जो डेसिमल है वो मैं अगर यहाँ पे हटा दूं, अब देखिए 7×5 35 होता है, 5×2 10 और 2×11 22 होता है, ठीक है। तो बाहर तो रह गया आपके पास 11, 11। ब्रैकेट के अंदर भी देख लेते हैं, 3.5×2 कितना होता है 7 प्लस 12.5, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 11×12 + 7 हो जाता है 19.5। अब आपको 11 को और 19.5 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, 11×55 होता है, 5 हासिल, 11×99 और 5 104 आ गया, तो 10 हासिल, 11×11 और 10 21 आ गया, तो 214.5 cm² आ गया बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से आप निकाल सकते हैं बच्चों, कोई आपको परेशानी हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लो आप। तो बच्चों जो आज हमने क्वेश्चन किया है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसमें कुछ हमने ट्रिक भी सीखी कि भाई जिस डिजिट के एंड में 5 हो उसका वर्ग कैसे करोगे आप, और हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालना भी सीखा है इसी क्वेश्चन के माध्यम से। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा, जो ट्रिक्स हमने आज सीखी हैं उनको जरूर अच्छे से आप घर पे जाके करें, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस में आपके ये यूज होने वाली है और वैसे भी काफी काम आने वाली हैं ये ट्रिक्स आगे तक आपके, इसीलिए अच्छे से इनको करें और क्वेश्चन को भी ध्यान पूर्वक आप दोबारा करके देखें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।